हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसका हिंदी मीनिंग भी जाना था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर B1.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ही वॉज द ब्राइड ग्रूम ऑफ विच ट्राइब। सेकेंड नंबर में है, फ्रॉम वॉट वॉज द करी मेड। थर्ड नंबर में है, वाई Did the in-laws laugh at the young couple? चलिए हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में, ही वॉज द ब्राइड ग्रूम ऑफ विच ट्राइब, यानी कि वह दूल्हा किस जनजाति का था या फिर किस जाति का था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ही वॉज द ब्राइड ग्रूम ऑफ संथाल ट्राइब। वो दूल्हा जो था वो संथाल जाति का था। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। सेकेंड नंबर में था, फ्रॉम वॉट वॉज द करी मेड। करी किस चीज की बनी हुई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट, यानी कि करी जो है वो बैम्बू यानी बांस की टहनी की बनी हुई थी, मतलब बांस के टहनी की करी बनाई गई थी। थर्ड नंबर में था, वाई डिड द इन लॉज लाफ एट द यंग कपल, यानी ससुराल वाले उस युवा दंपत्ति के ऊपर क्यों हंसे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, द इन लॉज लाफ्ड एट द यंग कपल बिकॉज दे डिड नॉट नो दैट करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। तो ससुराल वाले इसलिए यंग कपल के ऊपर हंस रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था यानी कि करी बैम्बो सूट का बनता है, यानी कि बांस की टहनी का बनता है और ना कि बांस के दरवाजे का। तो इसलिए उसकी लॉज हंस रहे थे, यानी ससुराल वाले हंस रहे थे क्योंकि उस कपल को पता नहीं था कि बांस की कड़ी जो है वो बांस की टहनी की बनाई जाती है, बैम्बो डोर यानी बांस के दरवाजे की नहीं बनाई जाती है। तो B1.1 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। B2.1 में है, आंसर इन अ वर्ड और सेंटेंस। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका आंसर हमें या तो एक सेंटेंस में देना है या फिर एक वर्ड में देना है। यहाँ पर चार क्वेश्चन हैं, चलिए हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में है, व्हाट डिड द मदर इन लॉ कुक फॉर हिज सन इन लॉ। मतलब सास ने अपने दामाद के लिए, सन इन लॉ मतलब होता है दामाद, तो सास ने, मदर इन लॉ यानी कि सास, सास ने अपने दामाद के लिए क्या पकाया था, क्या पकाया था? बैम्बो करी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैम्बो करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द संथाल ब्राइड ग्रूम बिलीव दैट द डिश इज मेड ऑफ द बैम्बो डोर। मतलब उस संथाल दूल्हे को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये डिश यानी ये व्यंजन बांस के दरवाजे से बनाया गया है। तो उसको ऐसा विश्वास इसलिए हो रहा था क्योंकि द मदर इन लॉ हैड पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, क्योंकि उसकी सास ने बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किया था। जब ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे ने जब पूछा था व्हाट इज इट यानी यह है क्या, तो उसकी सास ने बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किया था, इसीलिए ब्राइड ग्रूम संथाल ब्राइड ग्रूम को लग रहा था कि ये डिश बैम्बू डोर की बनाई गई है। थर्ड नंबर में है, व्हाई डिड ही कैरी द बैम्बो डोर टू हिज विलेज। यानी वो ब्राइड ग्रूम जो था यानी वो दूल्हा जो था वो बांस के दरवाजे को अपने साथ ढोकर अपने गांव क्यों ले गया था। इसका आंसर होगा, देर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में बांस नहीं था, इसीलिए उस ब्राइड ग्रूम ने बैम्बो डोर को कैरी किया था यानी कि ढोकर अपने गांव ले गया था। फोर नंबर में है, व्हाई वॉज द डिश मेड बाय हिज वाइफ सो हार्ड। मतलब उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने उस व्यंजन को इतना हार्ड यानी इतना कड़ा क्यों बनाया था। इसका आंसर होगा, सी हैड बॉइल्ड द हार्ड बैम्बो सो इट वॉज हार्ड, क्योंकि उसने एक बहुत ही कड़ा बांस को उबाला था, इसीलिए वो डिश बहुत हार्ड लग रहा था। क्योंकि बैम्बो कड़ी यानी कि बांस की कड़ी बांस की टहनी से बनाई जाती है, लेकिन संथाल ब्राइड ग्रूम की वाइफ ने
कड़ी को बैम्बो डोर से बनाई थी, यानी कि बांस के दरवाजे से बनाई गई थी जो कि बहुत ही कड़ा था। इसीलिए बांस के दरवाजे को जब उबाला गया तो भी वो बहुत हार्ड था, जिसे खाया नहीं जा सकता था। इसलिए उबालने के बाद भी वो डिश जो है बहुत ही हार्ड लग रहा था। तो ये हो गया 4 नंबर का आंसर। इस तरह हमने B2.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। C1 में है, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली, यानी कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हमें उचित शब्द यहाँ पे भर के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर में है, द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विथ द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डेस एंड देर वॉज नो बैम्बो इन हिज डेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैम्बो, बैम्बो, और यहाँ पर लिखेंगे विलेज। इसका मतलब है कि ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा जो था वो दरवाजे के साथ अपने इन लॉज हाउस यानी ससुराल से घर गया, क्योंकि यह बना हुआ था बांस का। ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा जो था वो ससुराल से जाते वक्त उसने अपने ससुराल के दरवाजे को उखाड़ लिया, क्योंकि वो बांस का बना हुआ था। एंड देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज, और उसके गांव में कोई भी बांस नहीं था, इसलिए उसने उस दरवाजे को उखाड़ लिया, क्योंकि उसे बैम्बो कड़ी बनाना था और उसे ये समझ में आया था कि बैम्बो कड़ी जो है बैम्बो डोर से बनती है, इसलिए वो बैम्बो डोर को अपने साथ उखाड़ के अपने गांव ले गया। सेकेंड नंबर में है, द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज, यानी कि दूल्हा बैम्बो करी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे इट वॉज टू हार्ड, इट वॉज टू हार्ड, क्योंकि वो बांस बहुत ही कड़ा था, इसलिए ब्राइड ग्रूम उसका बैम्बो करी नहीं बना पा रहा था। ठीक है, C2 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज डेस, यानी कि वो दूल्हा जो है गया था उसके ससुराल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन लॉज, इन लॉज हाउस। द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर, तो यहाँ पर होगा पॉइंटेड एट। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख के सेंटेंस को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस यानी कि वो दूल्हा कहाँ गया था, वो ससुराल वालों के यहाँ गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इन लॉज हाउस। सेकेंड नंबर में है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बो डोर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर, तो यहाँ पे हमने फिल करा एट। ही स्टेड एट द नाइट डैश इज इन लॉज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद, ही स्टेड एट द नाइट विथ हिज इन लॉज, यानी कि वो रुका कहाँ था रात में, वो अपने इन लॉज के यहाँ पे रुका था। ही कैरीड द डैश बैक विथ हिम, यानी कि वो अपने साथ ढोकर क्या ले जा रहा था। कैरीड मतलब होता है, कैरी मतलब होता है ढोना, ठीक, तो यहाँ पे होगा बैम्बो डोर, ब्राइड ग्रूम अपने साथ बैम्बो डोर को कैरी करके अपने गाँव ले गया था, यानी अपने गांव बांस के दरवाजे को ढोकर ले गया था, क्योंकि उसके गांव में बांस नहीं था। नेक्स्ट है, द करी वॉज मेड डैश बैम्बू शूट्स, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम FROM, यानी कि कड़ी बैम्बू शूट यानी कि बांस की टहनी का बना हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।